मोनू यार बड़ा परेशान करे हैं घर के, कुछ समझ में नहीं आता यार, का कीन जा का न कीन जा, काम धाम आ कुछ कहीं नहीं पहुँचते हैं। अब बस फायदा तो टाइम जात है और घर के ऊपर से तंग करते, कुछ बताया उपाय? सोनू तो कहा तो ठीक है, तो मो हिसाब से फिर बाहर चला जाए, कहीं कमावा धमावा जाते हैं, का कहा था या कम तू कुछ बताता हूँ। ठीक है फिर चारों जने बना लिया सब विचार विमर्श, चली बा है तो अब जाइन का परी घर में, जब बसल नहीं है तो कुछ ना कुछ करे खातिर चले का परी निकले का परी सगारे का प्रोग्राम बनावा जाए। ठीक है कहे अभी देखते का कहा था, ठीक रही कहे यार कहा चलत चला यही दिशा में चली पूरब दिशा में, समझब जाऊं शहर गांव मिली तो होने काम धाम ढूंढब करब कुछ दिन फिर का करब कुछ ना कुछ तो करबे करब, चला चली था घूम आई कुछ दिन करब तो वहा ठीक है। ये तालाब मिल गया तो थोड़ी नहा धो ले बढ़िया से फ्रेश हो जाए, नशा पत्ती हो जा फिर आगे समझब, ये तालाब बढ़िया नदी मिल गए तो एक मन नहा धो ले स्नान पूजा पाठ हो जा जो हो गो समझब आगे। ये साले है कौन मुझे, मेरे हिसाब से परदेसी है, चारों आए हुए हैं यहाँ और ये नहा रहे हैं तालाब में बिना पूछे आछे, ये सरकारी तालाब है पता नहीं कौन है जाना, चलो आज क्या हो ना हो मैं इनके सालों के कपड़े ले जाऊं जो सामान है इनके जेबों में। तो कपड़े क्या लेना है देख लेता हूँ, जो जो सामान है इनके जेबों में तो देखूं तो देखा, अरे ये तो साला 700 रुपये भरे हैं, गांजा चरस भी भरे हैं, नशा भी भरे हैं, चलो ले लेता हूँ इनका और लेके चला जाता हूँ देखेंगे। यार कौन कपड़ा छुआ है कहा हम आया, रुपया भरे रहे हैं हमारा रुपया गायब है, देख भाई यार मोनू तोरो का कसत है हाल चाल। मोरो गायब है यार, यार मोरो गायब है भैया यार, अरे मोरो जेब में नहीं है यार, को लीने आता है लीने का को लीने और बतावा का कसत है, ये बेचारा सोचा बेचारा करा को ले गया यार तो बड़ा दाम था यार। भैया जो लेने आया था जो हमारा सामान लेके गया था तो मेरे हिसाब से वो घुड़सवार था, अगर वो घुड़सवार था तो फिर जरूर वर्दीदार था, वर्दीदार था वो, अगर घुड़सवार था वर्दीदार था तो फिर जरूर टोपीदार था जरूर, अगर वह घुड़सवार था वर्दीदार था टोपीदार था तो तुम यार ये कहे नहीं कहते कि वो थानेदार था, चलो चलो यार थानेदार ने हमारे साले ने चोरी कर लिया यार, ऐसा भी कभी होता है थानेदार बताओ हम लोगों का सामान चुराने लगा, चलो थाने के पास थानेदार के पास चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो यार चलो चलो थानेदार के पास चलते हैं, थानेदार ने बताओ चोरी करना कब से सीख लिया है, ये तो यार इस गांव के बड़ा समस्या है इस शहर का यार, ये थानेदार चोरी करता है, चलो अरे चौकीदार कहाँ तुम्हारे थानेदार, तुम्हारे थानेदार ने हम उन लोगों का सामान चुराया है, चोरी करता है तुम्हारा थानेदार, पकड़ाओ मेरे चलो मिलाओ हमें थानेदार से, कहा तुम्हारा थानेदार। थानेदार साहब साहब बाबूजी इधर खाई चार जने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाओ थी, कहती तुम सामान चुरा के लाए हो इनका बाबूजी, इन्हें दावत तो अंदर साइन कर सार झूठ मूठ को बताते हैं गलत, इनको शर्म नहीं लगती तमीज नहीं बात करने का, डरते नहीं है पुलिस वालों से बताओ, सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। किस आधार पे कह रहे हो तुम कि हम तुम्हारे सामान चुराए हैं, तुम्हारे जेबों को खंगाला है, तुम्हारे जेबों का झारा दिया है, किस आधार पर कह रहे हो बताओ? साहब हम लोग तुकबंदी लगाते हैं, हमारा तुकबंदी कभी गलत नहीं होता है, हम तुकबंदी लगा करके पूरी तरह से बता देते हैं कि किसके किसने क्या किया है कौन सा काम किया, जो भी हमें विचार करना है हम चारों लोग तुकबंदी लगा करके उसका जरूर बताते हैं,
अगर आपको यकीन ना हो तो आप कुछ ना कुछ सामान लेकर के अपनी जेब में आ जाइए, तो हम आपका जरूर बताएंगे कि आपके हाथ में क्या है। ठीक है, अच्छा मैं अभी सामान लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ जेब पे हाथ पे। तुम लोग अगर सही बता दिए तो मैं मान जाऊंगा, अगर झूठ बता दिए तो सालों समझ लो मैं चारों को जेल पे डाल दूंगा, ये समझ लेना। बताओ अच्छा मेरी जेब पे क्या है, क्या है मेरे जेब के हाथ पे? जो आपके जेब के हाथ में है वो तो गोल मटोल है। अगर गोल मटोल है तो फिर वो लाल लाल है। अगर वो गोल मटोल है लाल लाल है तो फिर वो दानेदार है। अगर गोल मटोल है लाल लाल है दानेदार है तो फिर वो 100% दानेदार आपके जेब के हाथ में अनार है। आप निकाल के दिखाइए हमको, आपके जेब में अनार ही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तो बंदी लगाते हो। ऐसा करो तुम हमारे यहीं थाने पे ही रहो, हम तुमको काम देंगे, तनख्वाह देंगे, पैसा देंगे, ऐसे ही बड़े बड़े खाते पीते रहो, जो भी काम जब कभी पड़ेगा हम तुम्हें देते रहेंगे, और मस्ती से रहो, बहुत काम के आदमी हो तुम लोग, ठीक है? यहीं पड़े रहो। ओके बाय बाय। हम आपका चापानंदन आई हम गए तो कुछ कमा थे, हम आप हम चार उनका दिया छुट्टी तो हम चारों जान तो कुछ काम धाम घूम धाम दिया कमाई धमाई करो। ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं, जाओ आराम से जाइए, अगर काम धाम ना मिले तो आ सकते हो, नहीं जाओ काम धाम ढूंढो अपने मन का करो, काफी दिन रहा बड़ा मजा आया। ठीक है जाओ ऐश करो। कोई नौकर रखेगा कोई नौकर, भाई जी कोई नौकर रखेगा कोई नौकर रखना चाहे। इस शहर में कोई भी नौकर रखना चाहे रख सकता है, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। कोई भी भैया नौकर रखना चाहे रख सकता है। कहाँ से आए हो तुम लोगों भाई? चलो राजा साहब के पास चलो, राजा साहब तुम्हें नौकरी देंगे, राजा साहब ने बुलवाया है, चलो राजा साहब के पास। ठीक है सिपाही जी, चलिए ले चलिए राजा साहब के पास, राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अगर हमें काम दे देंगे। चलो चलो सभी लोगों भाई चलो। क्यों सिपाही, यही है जो काम करना चाहते हैं? जी 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 राजा साहब, यही है, यही है काम करना चाहते हैं, आप इनको पूछिए जो भी चाहिए। हाँ तो बचा बताओ भाई लोग, कितना क्या काम करोगे और क्या मजदूरी लोगे बताओ। राजा साहब काम तो हम वो करेंगे कि जो राज्य में आपके कोई न कर पाए, जब सभी जगह से सभी आदमियों से आपको ना ही मिल जाए वो काम हम करेंगे, बाकी का समय पड़े पड़े खाए पिएंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो करेंगे, वो काम आपको वो करेंगे जब कोई ना आपका काम कर पाए। पगार लेंगे 1000 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन का 1000 रुपये लगेंगे, यानी 4 लोग हैं 4000 रुपये प्रतिदिन आपको लगेगा। काम वो करेंगे जब जो सारे लोगों से मना हो जाए, जब कोई काम ना कर पाए वो सारा काम हम करेंगे। ओके राजा साहब।
ठीक है कोई बात नहीं, ठीक ए सिपाही हो इनका रहने खाने पीने का प्रबंध करो और आराम से इनको रखो, जो भी काम जब पड़ेगा इनको लिए बुलाया जाएगा। आदेश का पालन हो सिपाही जी। राजा साहब हम भी इनकी व्यवस्था किए देते हैं। ओके राजा साहब की जय हो। राजा साहब आज दानों को भोजन पहुंचाने का आपका नंबर है, इसका उपाय करें कुछ राजा साहब। सिपाही ऐसा करो, मेरी बेटी राजकुमारी को दानों के भोजन के लिए पहुंचा दिया जाए, आदेश का पालन होगा। ठीक सिपाही पहुंचाओ। जी राजा साहब, जी जी अभी चलो राजकुमारी जी चलो। महाराज महाराज राजकुमार को क्या हुआ? राजा साहब जी राजकुमार को क्या हुआ? देखिए राजा साहब राजकुमार ने देह त्याग दिया। राजा साहब को राजकुमार चल बच्चे। हे भगवान ये सब क्या हो गया? सिपाही मुनादी कराओ शहर में कि कोई भी राजकुमार के शव को अंधेरी बाग में रख सके रान पर, ताकि सुबह आकर हम उसका दाह संस्कार अंतिम संस्कार कर सके। मुनादी कराओ सिपाही, जाओ जल्दी करो, रात भर तो इसकी हिफाजत करवानी ही पड़ेगी। सिपाही जाओ किसी को ढूंढ के लाओ, जो भी ये काम करना चाहे उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जाओ मुनादी कराओ। सुनो 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 सभी शहरवासियों सुनो, राजा साहब के राजकुमार को अंत अंधेरी बाग में रखने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार हो। सुनो भाई लोगों सुनो, राजकुमार के शव को हिफाजत से रखने के लिए अंधेरी बाग में कोई भी व्यक्ति तैयार हो। सुनो भाई लोगों सुनो सुनो सुनो, तुम भैया सुनो, तुम भैया जाओगे कोई भी अंधेरी बाग में रात भर शव को हिफाजत कर सकेगा? कौन करेगा भाई? जाएगा कोई? जाएगा तुम भैया जाओगे? ना 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 सिपाही जी हम ना जाओ, हमारे बस का ना है। सिपाही जी वो पता है रात भर की क्या बात है, 2 घंटा नहीं कोई टिक सकता, कोई बहादुर शेर नहीं टिक सकता। दो वो चुड़ैल जाने क्या क्या वहाँ रहता है सा आदमी जी। ना ना सरकार साहब की जय हो। राजा साहब कोई नहीं शहर में मिल रहा, ऐसा करो 4 जो भाई लोग पड़े हैं खाते पीते हैं 1000 रुपए वाले, उनको भिजवाइए, वही काम नहीं कर पाएंगे। सही कहा सिपाही तुम, ले जाओ उनको लेकर के ये काम कराओ, जल्दी कराओ बेटा, जाओ सिपाही से जाओ। चलो सिपाही चलो चलो राजा साहब के राजकुमार के शव को लेकर अंधेरी बाग में रहना है, रात भर शव की हिफाजत करना है, कोई भी शहर में नहीं तैयार हो रहा इस काम के लिए, आपको ही ये काम करना पड़ेगा। चलो चलो जरूर चलेंगे भाई जी, जरूर चलेंगे। चलो भाई लोगों चलो चलते। अब सुनो भाई लोगों चारों, आज तक हमारे जो नाम रहे सोर है 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे नाम है, ठीक। और अब हम आज की रात चारों लोगों का पहरा रहे, एक 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 पहर का। चलिए शव को देखते हैं, लेते हैं और फिर निकल चलते हैं। आज आनंद का काम करेंगे, आनंद से शहर करेंगे।
ओके दोस्तों तैयार हो सभी जी। राजा साहब की जय हो। जय हो राजा साहब की। राजा साहब एक बड़ा सा बैग मंगाया जाए जिसमें हम राजकुमार के शव को भर सकें और पीठ में लाद सकें। जल्द से जल्द करवाएं और हम शव को भर के अभी पहुँचा अंधेरी भाग में रहते हैं। सुबह आपसे मिलेंगे। राजा साहब की जय। दिल नंबर एक या तेरा तो अपहर है तो आराम से पहरा दो और शव की हिफाजत करना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। रात भर क्या एक पहर आपको देना है। एक पहर शव को पीठ में रखो और सैर सपाटा करना हो थोड़ा बहुत कर लो और जैसे ही नंबर टू का पहरा है वैसे ही तुम जगा देना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर थ्री आप परेशान ना हो, मैं इत्मीनान से पहरा दूंगा और सौ को कुछ नहीं होने दूंगा। अभी मैं सैर सपाटा करते आता हूँ, आप लोग आराम से सोइए तीनों लोग, और जैसे ही पहर का टाइम आएगा वैसे ही मैं आपको जगा दूंगा। आप परेशान ना हो, सो जाइए आप लोग। ठीक जी जी, जरूर जरूर, ठीक कोई बात नहीं। चलो नंबर टू और फोर सो जाओ। चलो सो जाओ, जैसे आएगा नंबर बता। आप राजकुमारी यहाँ कैसे हैं? आप दानों के लिए आए थे क्यों राजकुमारी जी, बताएं जरा। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? ये दानों का अड्डा है, दानों तुम्हें दिखा जाएगा। जाओ जाओ जल्दी निकल जाओ। जाओ भैया जल्दी निकल जाओ, यहाँ कहाँ आ गए फंसने तुम भी। जाओ राजकुमारी जी, आप परेशान न हो, मैं दानों को देखता हूँ। आप ऐसा करिए कि कपड़े बदल लेते हैं, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए, मैं आपके कपड़े पहन लेता हूँ, और आप ये बैग को लेकर के पीछे गई छुप जाइए और फिर मैं दानों को देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी जी अभी जरूर, चलो बदल लेते हैं कपड़े। दानव महाराज, हम राजन की लड़की, हम परिक्रमा नहीं जानते क्या होता है। आगे आगे आप लगाइए, पीछे पीछे हम लगाते हैं आपको देख करके। ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। ससुरा दानव कही कहो आवानंद। चलो नाक कान काट लेते हैं इसके और फिर चलते हैं। चलो चलो राजकुमारी जी, चलो दानव का खात्मा हो गया, अब परेशान होने की दिक्कत नहीं। लाओ बैग मुझे दो, मैं टांग लेता हूँ और चलो चलो चले चले। हेलो नंबर दो भाई, चलो जगो, तुम्हारा पहरा आया, तुम्हें काम करना है, अब मैं सोऊंगा। चलो चलो निकलो चलो। जी जरूर जरूर, नंबर टू नंबर वन
परेशान न होइए, आप निश्चिंत होकर के सो जाइए दीजिए बैगम, अब हम इत्मीनान से पहरा देंगे, आप परेशान ना हो, हम जगते रहेंगे सोएंगे। चलो चलते हैं यार, एक पैर तो घूमना ही है, तो क्यों ना थोड़ा सा सैर सपाटा किया जाए। चलो देखते हैं आगे। ये क्या देख रहे हैं यार, कुर्सियां, सिंहासन, दरी, ये सब क्या होने वाला है भाई, कोई तमाशा होने वाला है भाई। चलो चलो रुको, थोड़ा देख लेते हैं, ये सब को यहीं रख देता हूँ एक चेयर पे, और पीछे पेड़ से छुप करके देखता हूँ क्या क्या होता है। चलो देखते हैं। राजा साहब भी आ रहे हैं, सिपाहीगढ़ भी आ रहे हैं, देव अप्सराए सब आ रहे हैं, धीरे धीरे सज रहा है महल। चलो देखते हैं, थोड़ी देर आनंद लेते हैं। अप्सरा और नेत्र का प्रोग्राम चालू किया जाए। सिपाहियों देखो ये कौन सा मुर्दा पड़ा है, ले ओ मेरी कुल्हाड़ी ले ओ और उल्टा करके इसको पैर पे मार दो, ये जिंदा हो जाएगा। और जैसे ही खेल खत्म हो, नाश्ता वाशा खत्म हो, तो सीधा इसको पैर पे मार देना, तो फिर से खत्म हो जाएगा। ठीक है सिपाही, ये लो मेरी कुल्हाड़ी, ले जाओ और ये काम करो, नृत्य का प्रोग्राम चालू है। जी जी अभी राजा साहब, देवों के महाराज इंद्र अभी आपको जगो, ऐसा, अगर
जी 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 जरूर जरूर नंबर टू, मैं ये काम करूंगा, लाओ बैग मुझे और मैं ये चला, आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी तो बताऊंगा। ओके सो जाइए आप आराम से। चलो चलते हैं, ये तीसरा पहर है तो थोड़ी देर तो घूमना फिरना पड़ेगा, सैर सपाटा कर देते हैं, टाइम पास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तुमने क्यों हंसा? तुम बताओ पहले। मैं क्यों बताऊं? पहले तो तुम हंसे हो, तुम क्यों हंसे ये बताओ। मैं इसलिए हंसा कि मुझे आज किसी मानव का अच्छा गोश्त खाने को मिलेगा, बहुत दिनों बाद किसी मानव को खाने को आज मौका मिला, इसलिए मैं हंसा। अरे मैं इसलिए हंसा कि मेरे पास 99 भूत हो गए हैं, एक की कमी थी मुझे सैकड़ा पूर करने को, आज तू मिल गया, तेरे से मेरी गिनती पूरी, मेरी सदियों की मेहनत पूरी हो गई, अब आज तू बच के नहीं जा सकता, ये समझ ले, देख मेरे पास कितने भूत हैं, आज तू बच के नहीं जा सकता, आज तुझे भी खत्म करके अपने पास रखूंगा कब्जे में। एक तरह से तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू किसी मनुष्य को आज के बाद तंग ना करे और अपने नाक कान काटने दे तो मैं तुझको छोड़ सकता हूँ, अगर ये मंजूर है तो बताओ कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। आओ अच्छा नाक कान काटने दो मुझे, कान और बाल में थोड़ा थोड़ा तुम्हें काट लेता हूँ, बस जाओ। नंबर फोर भाई जगो जगो, तुम्हारा पहरा का टाइम आ गया, चलो पहरा दो, लोग सोएंगे, मेरा पहर भी खत्म हुआ, तुम्हारा पहरे का टाइम आ गया, चलो चलो जगो जगो जगो। जी जी जरूर जरूर नंबर थ्री जरूर, अब मेरा पहरा आ गया, मैं जरूर पहरा दूंगा, लाओ ये सब मुझे दो, मैं टांगता हूँ पीठ पे और अभी जाता हूँ, आप लोग आराम से सोइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए भाई अब हमारा पहरा है तो थोड़ी देर का सैर सपाटा हम निकल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, चलिए थोड़ी दूर घूम फिर आते हैं। क्या देख रहे हैं? यहाँ तो एक चुड़ैल दिखा रही है भैया, चलो देखते हैं इसको क्या है, चुड़ैल ही है लगता है। मनुष्य तो क्यों हंसा, तू बता क्यों हंसा, पहले तू बता तू क्यों हंसा, तू बता पहले, पहले तूने हंसा क्यों हंसा ये बताओ। अरे मैं इसलिए हंसी कि मुझे जिंदा आदमी देखने को मिला, खाने को मिलेगा, इसलिए मैं हंसी। मैं इसलिए हंसा कि मुझे 99 मेरे पास चुड़ैलें हो गई, एक मुझे और चाहिए सो तुम मिल गई, एक आधार चाहिएगा तो तुम्हारे जरिए मिल जाएंगी, इसलिए मैं हंसा।
अब तू जिंदा नहीं बच पाएगी ये समझ ले, मैं अभी तुझे पकड़ करके ले जाऊंगा और राजा साहब के पास रखूंगा, सजा बहुत सारी दिलवाऊंगा तुझे, परेशान ना हो तू जब बहुत जल्द। अरे नहीं 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 मानो, जो चाहिए वो बताओ, मैं वो तुम्हारा काम कर देती हूँ, मुझे जिंदा रहने दो, मैं किसी को तंग नहीं करूँगी। ठीक, अच्छा नाक कान कटाओ और आज के बाद किसी मानो को तंग नहीं करना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है? जाओ ऐश करो, अब मेरा भी पहरा खत्म हो रहा है, मैं पहुँचूँ यार मैं भी, अब चलो सुबह होने का टाइम है और देखेंगे राजा साहब भी आते ही होंगे, अब आने का टाइम हो रहा होगा उनका भी, चलो पहुँचता हूँ मैं। अच्छा भाई लोग, तो कैसी रही आपकी अंधेरी की रात, आप लोगों का कैसा पहरा रहा जरा खुल के बताइए हमें भी, और क्या मिला क्या हुआ बताओ जरा। जी जी जरूर राजा साहब, जरूर आपको अपनी रात भर की कथा बताएंगे, सभी बताएंगे क्या क्या किसने किसने किया, ये सब हम सभी आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। बहुत बढ़िया तुम लोगों का काम रहा, तुम लोगों का काम सराहनीय है, तुमने हमारे राजकुमार को भी जिंदा करके लाया, हमारी राजकुमारी को भी दिया। चलिए आप में से एक लोग की मैं राजकुमारी की शादी कर देता हूँ, चारों लोगों को मैं राजपाठ देता हूँ और मैं खुद संन्यास चाहता हूँ, मेरे राजकुमार को भी रखिएगा, अब ये राज्य आपके बल पर चलेगा, जो आप हुकुम करेंगे वैसे ही चलेगा, आप यहाँ के इस समय मालिक बनेंगे, और खाइए पिए आराम से रहिए, जो धन दौलत चाहिए वो सारा लो, सब तुम्हारा है अब, और मैं वनवास जा रहा हूँ यहीं से, मैं घर नहीं जाऊँगा, राजकुमार को राजगद्दी पे बैठाइए, बाकी आप मंत्री और सब कुछ आपके साथ, आपकी सलाह के साथ हमारे राजकुमार कारोबार करते रहेंगे, ठीक? ओके, जाओ भाई लोगों जाओ, धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं आरबी कुशवाहा, आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करते रहें और ऐसे ही बने रहें, मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियो देता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, नमस्कार।